हरियाणा से बरामद हुई नाबालिग किशोरी, आरोपी हुआ गिरफ्तार, समान पुलिस कर रही है घटना की जांच। आरोपी ने पीड़ित का अपहरण कर किया था बलात्कार। आपको बता दें कि करीब माह भर पूर्व लापता हुई एक किशोरी को पुलिस ने बरामद किया है, उसका अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। समान थाना क्षेत्र से किशोरी 1 जुलाई को लापता हुई थी। वो अपनी बहन के साथ भाई के घर जा रही थी और रास्ते में गायब हो गई थी, जिसकी शिकायत उसकी बहन ने थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने उसके लोकेशन हरियाणा में ट्रेस किया, जिसके बाद समान थाने से पुलिस की टीम हरियाणा पहुंची और पुलिस ने सोनीपत के जरेठी से बरामद कर लिया। उसका अपहरण करने वाला आरोपी भी पुलिस के हाथ लग गया है, जिन्हें बाद में रीवा लाया गया। पीड़िता के न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया, जिसमें उसने आरोपी के द्वारा पहला फुसला कर उसे अपने साथ हरियाणा ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने की जानकारी दी है। आरोपी लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने उसे अपहरण और बलात्कार के मामले में नामजद कर न्यायालय में पेश कर दिया है। समान थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता के बयान में जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर कार्यवाही की गई है। किशोरी का मेडिकल करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में थाना प्रभारी सुनील गुप्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। 1 महीना पहले नाबालिग लड़की गुमी थी, जिस पर से 363 कैम था और जानकारी लगने पर सोनीपत हरियाणा से दस्तयाब हुई, उसे लाया गया और उसके बयान हुए 164 के कथन हुए, जिसके आधार पर थाना में अपराध पंजीबद्ध हुआ है और वर्तमान में SC/ST और पॉक्सो एक्ट लगे होने के कारण विवेचना CSP साहब द्वारा की जा रही है। सर, ये जो लेके गया था ये कहाँ का रहने वाला है सर? ये सीधी जिला का है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।